जुआ खेलते पकड़े गए। पुलिस ने आरोपियों से करीब 10,000 रुपए और 2 गाड़ियां जब्त की है। लॉकडाउन में लोग अवैध गतिविधियों से बाज नहीं आ रहे। मानपुर पहाड़ी क्षेत्र होने से यहाँ की संरचना और गाँव में पहुँचना आसान नहीं है। इसी का फायदा उठाकर यहाँ उड़वा गांव में 4-5 लोग जुआ खेलने पहुंच गए। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली और दबिश दी गई तो 5 लोगों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से 9,700 रुपये की नकदी, 1 4-पहिया गाड़ी और 1 2-पहिया गाड़ी भी जब्त की गई। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आज थाना मानपुर क्षेत्र में जुआ सट्टा को लेकर शाम को 5:30 के आसपास मुखबिर के द्वारा खबर मिली थी कि कुछ यहाँ के नामी जो सटेरी हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक आता है महेंद्र गोस्वामी, ये फिर से सट्टा इन्होंने चालू कर दिया है और ये खेत में टापरी पे बैठ के काफ़ी बड़ा सट्टा खेलते हैं। और इनके साथ और पुराने जो हिस्ट्री शीटर्स हैं हमारे यहाँ के, जैसे कि छोटू सांगा और अरविंद जाट, ये लोग भी सब मिले हुए हैं। इसके साथ साथ अपना लकी मीणा, जो कि 307 का पहले भी अपराधी रह चुका है, ये सब मिल के लोगों को डराते धमकाते भी हैं और उनके खेतों पर बैठ के जुआ सट्टा खेलते हैं। तो आज हमने जब वहाँ दबिश दी तो वहाँ पर हमें काफ़ी सफलता हासिल हुई, जिसमें हमें 2 4-व्हीलर्स प्राप्त हुई हैं, 2 2-व्हीलर्स हैं, 10-12 हज़ार रुपये का कैश है, 4 से 5 मोबाइल फ़ोन मिले हैं तथा और ऐसी लीड्स मिली हैं जिनसे हम आगे, जैसे इसमें एक फरार है जिसका नाम नरेंद्र है, जो कि मानपुर का रहने वाला है, जिसकी गाड़ी भी हमने जब्त की है, उस पर भी आगे कार्रवाई होगी। और हमारी कोशिश यही है कि लॉकडाउन के समय जब पूरा भारत कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है, तो ऐसे लोग, ऐसे असामाजिक तत्व अगर पनपते रहेंगे तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आगे भी मैं बस यही संदेश देना चाहता हूँ कि आगे भी अगर कोई आदमी ये सोच रहा है कि वो असामाजिक तत्व ये सोच रहा है कि वो पुलिस की पहुँच से बाहर है, तो वो बहुत गलत सोच रहा है और उसके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।